टीएल पता नहीं है ना, हमको ना जल्दी बुलाता है और लेट छोड़ता है। भाई कभी अगर एक काम पे आना है इसको जल्दी नहीं बुलाना, इसको लेट बुलाना है चंगड़ू को। एक हमारे जो मैनेजर होते हैं तो वह हम पे थोड़ा नजरानी रखते हैं, अगर हम ज़्यादा अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो चिल्लाते हैं सुनाते हैं, इस वजह से ना कितना हो सके मैं उधर से कोशिश करूँगा कि वीडियो को शूट करूँ। और ये रहा रिसेप्शन एरिया और ये रहा डिनर एरिया। तो जैसे कि ये ना एंट्रेंस गेट था और एंट्रेंस गेट के यहाँ से ना अभी मैं अपनी साइकिल लेके अभी घर के यहाँ से निकल रहा हूँ। सो है गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आप सभी का ना प्यारा से यूट्यूब फैमिली में स्वागत है। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसका नाम है राज सक्सेना ब्लॉग है, जहाँ पे मैं आपको ना मुंबई के अलग अलग जगह जैसे कि बैंक्वेट हॉल होगा या फिर ग्राउंड होगा उसके बारे में मैं आपको इवेंट्स के रिलेटेड, इवेंट्स वेडिंग के रिलेटेड आपको ब्लॉग वीडियो यहाँ पे हमेशा की तरह देते रहता हूँ। सो दोस्तों, ये ना मेरा ना मुंबई वेडिंग इवेंट्स ब्लॉग नंबर 138 है, जहाँ पर मैं आज आया हूँ बोरीवली स्टेशन वेस्ट न्यू लिंक रोड के यहाँ पे। और आज जैसे आज मैं जहाँ पे हूँ उसका नाम है प्रीमियम कच्ची ग्राउंड है। आज मेरा ना इवनिंग का इवेंट है फिलहाल, तो अभी ना 5:40 हो चुका है। आज कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ना 6 का रिपोर्टिंग है, जहाँ पे मुझे ना रात को 12 मेरे यहाँ से चेकआउट हो जाएगा। और सो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ना बोरीवली स्टेशन वेस्ट न्यू लिंक रोड से मतलब स्टेशन से बोरीवली स्टेशन वेस्ट स्टेशन से लगभग ये ना 3 किलोमीटर है, तो आप ना 10 रुपये के शेयरिंग से भी आप यहाँ पहुँच सकते हो। लेकिन मेरा घर यहाँ से नज़दीक ना 1.5 किलोमीटर है, इसके वजह से मैं आज अपने घर से ना 3.5 किलोमीटर साइकिल चला कर 20 मिनट में यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और सो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, इसका नाम है प्रीमियम कच्ची ग्राउंड और यहाँ पे लिखा हुआ आस्था हॉस्पिटलिटी इवेंट मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पे कोई भी अगर फंक्शन होगा उस फंक्शन को मैनेजमेंट करने के लिए कंपनी जिसका नाम है आस्था हॉस्पिटलिटी इवेंट्स करके। सो दोस्तों, फिलहाल ना वीडियो को देरी नहीं करते, फटाफट अभी अंदर जाते, तो चलिए। दोस्तों, जैसे कि आपने ना मेरा पिछला ब्लॉग वीडियो देखा होगा, मुंबई इवेंट्स ब्लॉग नंबर 137, जहाँ पर मैं गोरेगांव स्टेशन बांगू नगर के यहाँ पर एक विष्णु महेश करके ग्राउंड था, वहाँ का मैंने ना आपको वेडिंग का ना ब्लॉग वीडियो शूट किया था और अपलोड भी किया था। सो दोस्तों, आपने ना उस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी की तरह मैं आज आया हूँ यहाँ पे एक इवेंट्स के यहाँ पे। सो दोस्तों, फिलहाल तो वहाँ मुझे 6:30 का रिपोर्टिंग है और अंदर जाके देखते हैं। हाँ, इसी का नाम प्रीमियम कच्ची ग्राउंड है और फटाफट अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे फिलहाल तो क्या चालू है। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर दिन ना जब भी हमारा इवेंट्स होता है तब भी ना ज़्यादा करके मोस्टली मारवाड़ी या फिर गुजराती हम इवेंट्स करते हैं, और शाम का भी होने का वक्त आ चुका है। इसकी वजह से अंदर ना आज शाम का जो है वो है रिसेप्शन इवेंट्स है, मतलब आज रिसेप्शन है। और मॉर्निंग का जो था यहाँ पर शादी का था, और शादी के वक्त तो मैं आया था, लेकिन मैंने क्या सोचा कि सुबह का इवेंट का ब्लॉग शूट करने से अच्छा है कि मैं शाम का करूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ना अपने बहुत सारे ब्लॉग वीडियो पे मैंने शादी का इवेंट डाला हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं रिसेप्शन का डालता हूँ। तो फिलहाल तो अभी ग्राउंड के यहाँ पे चौबियर चालू है। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौबियर का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सूरज ढलने से पहले खाना खाना पसंद करते हैं, तो वो डिनर में खाना नहीं खाते, जब भगवान सूरज जी का जब सूर्यास्त होता है उससे होने से पहले वो खाना खाते हैं। 6:30 या 7:45 चौबियर बंद हो जाएगा, और अभी फिलहाल तो शाम को वहाँ पे चौबियर का खाना चालू है। और मैं राज और मेरा दोस्त चंगड़ू अपने देखने एंट्रेंस गेट है, और इसी एंट्री गेट से हमें ना आज एंट्री करना है। फिलहाल तो मैंने अपना साइकिल ना वहाँ कोने पे रख दिया, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ प्रीमियम कच्ची ग्राउंड। सो दोस्तों, ये रहा प्रीमियम कच्ची ग्राउंड है, बोरीवली स्टेशन वेस्ट है, और यहाँ पे लिखा हुआ आस्था हॉस्पिटलिटी इवेंट मैनेजमेंट। तो यहाँ से अभी अंदर जाते हैं।
एंट्री कर रहा हूँ, एंट्रेंस गेट है, बट यहाँ से जैसे मैं एंट्री किया था वहाँ पे मैंने अपना साइकिल को रख दिया हूँ। और अभी फ़िलहाल तो चौपहर का वहाँ पर काम चालू है और सामने एंट्रेंस गेट है, वहाँ से अगर मुझे मैं अगर राइड लूँगा तो वह एंट्रेंस गेट आ जाएगा। तो यहाँ पर वाशरूम वगैरह भी है, अगर आपको वाशरूम जाए कभी भी अगर आप अच्छे ग्राउंड आओगे तो यहाँ पर वाशरूम है। और ये सो दोस्तों फिलहाल तो यहाँ पे ना कार पार्किंग भी अवेलेबल है और जिसके वजह से यहाँ पे लिखा वॉलेट पार्किंग सॉल्यूशन करके, तो हमारे दादा जो कार पार्किंग वगैरह करते हैं। और ये जैसे ये रहा ये एंट्रेंस गेट है, यहाँ से हमें एंट्री करना है। और फिलहाल तो अभी ना वहाँ पे मतलब वैनिटी वैन भी है ब्राइड और ग्रूम के लिए, और ये है एंट्रेंस गेट, तो यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा ये कच्ची ग्राउंड है ये, तो देख रहे था ऐसा लग रहा है कि महाराजा का ये कोई बंगला है या फिर काफ़ी पुराना दिखता है, काफ़ी अच्छा। चुका है 5:50 हो चुका, बट यहाँ पे ना रिसेप्शन की तैयारी हो चुकी है। और जैसे गाइस ये रहा ना बार काउंटर है, बार टेंडर है, जैसे यहाँ पे आपका मॉकटेल्स वगैरह जूसेस आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे और यहाँ से सर्कुलेशन होगा। और यहाँ पे जो हमारे भाई लोग बना रहे ये है ब्राइड एंड ग्रूम का स्पेशल एंट्री है। और ये रहा स्टेज, और स्टेज काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। और ये चेयर्स वगैरह यहाँ पे थिएटर सेटिंग लगाया हुआ है ताकि गेस्ट कभी भी जब भी आएंगे तो आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं और रिसेप्शन का काफ़ी मज़ा ले सकते हैं यहाँ पे। और उस साइड में रखा फूड कोर्ट है, मतलब वहाँ पे डिनर का सेटअप लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा और ज़बरदस्त है ये। तो वो साइड फ़िलहाल तो अभी वहाँ पर चौबियार चालू है, उस साइड में चौबियार चालू है, जो सूरज ढलने से पहले जो खाना खाते हैं उसे हम चौबियार बोलते हैं। और ये रहा वहाँ पे फ्रूट्स काउंटर है, वो दूध जलेबी काउंटर है, और वो रहा वो माउथ फ्रेशर काउंटर है। तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे इस चीज़ को सजाया गया है और काफ़ी डेकोरेशन काफ़ी यहाँ का VIP जैसा लग रहा है। तो काफ़ी मज़ा आना रात को, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी ना शाम का समय है, रात होने को नहीं है, जैसा रात हो जाएगा चारों तरफ यहाँ पर लाइट आपको देखने को मिलेगा, पंखे वगैरह भी यहाँ पर चालू हो जाएंगे, तो शाम का यहाँ पर काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त ये कच्ची प्रीमियम ग्राउंड है। और जो स्टेज का अगर पीछे की बात करूँ तो पीछे बहुत बड़ा खाड़ी है, तो वहाँ से ना शाम को ठंडा सा हवा वहाँ से आता है जिसकी वजह से काफ़ी मज़ा आता है। तो गाइज ये रहा स्टेज, रिसेप्शन स्टेज, बीच में ब्राइड एंड ग्रूम बैठेंगे, उसके जस्ट बाजू में ब्राइड का फैमिली, और उसके जस्ट बाजू में ग्रूम की फैमिली बैठेंगे, और यहाँ से लोग चढ़ेंगे और चढ़ के वहाँ से उतरेंगे। तो वो सामने रहा फूड काउंटर, तो चलिए। तो फिलहाल अभी शाम के ना 6:07 हो चुका है, जैसे अभी ना ग्राउंड के अभी मैं आ चुका हूँ, अब जस्ट मैं यहाँ से रेडियो के ना अभी जा रहा हूँ चौबियार के यहाँ पे। तो फिलहाल तो अभी मैं ना आ चुका रिसेप्शन काउंटर के यहाँ पे, फिलहाल तो अभी रिसेप्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, बट मैंने क्या किया अभी बच्चों के शाम के 6:07 हो चुका है, फटाफट मैंने ना ब्लेजर वाइट शर्ट ब्लैक पैंट ब्लैक शर्ट तो मैंने कब का पहन के रखा हुआ था, बट फटा मैंने क्या किया ब्लैक टाई और ब्लैक ब्लेजर फटाक से यहाँ हो चुका जिसमें जा रहा हूँ फूड काउंटर सेक्टर के यहाँ पे। वहाँ पे ना फिलहाल तो चौबियार चालू है, चौबियार अभी ख़त्म नहीं हुआ, आधा या पौने घंटे का चौबियार ख़त्म हो जाएगा। सो दोस्तों मेरा नाम तो आप सभी को पता है कि मैं रासक से ना मुंबई इवेंट्स ब्लॉग वेडिंग का ब्लॉग वीडियो बनाता हूँ। सो दोस्तों हमारे ये विनीत ब्रदर है, कुछ बोलो विनीत ब्रदर। क्या बोलूँ, हमारे ब्रदर में तो सुबह से आए थे, थक गए थे, यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे आराम, जैसे कि हमारे सलमान भाई यहाँ पे सो गए ना, ठीक। तो मैं सोने नहीं गया था, मैं सोचा आप सभी के लिए ना मतलब वीडियो तो शूट करना जरूरी है, इसकी वजह से ना मैं बाहर चला गया था शूट करने स्टार्टिंग में, और भाई लोग यहाँ पे आराम कर रहे थे। तो फिर ये हमारे विनीत ब्रदर है, इनका नाम क्या यूट्यूब चैनल का नाम विनीत पांडे ब्लॉग। सो दोस्तों फटाफट जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए विनीत पांडे ब्लॉग करो सर्च कीजिए, हमारे भाई वहाँ पे आ जाएंगे, उनको ज़रूर सपोर्ट करें, जिस तरह ने आपने मुझे सपोर्ट किया मेरे ब्रदर विनीत भाई को भी उतना ही सपोर्ट करना। वी का विनीत नहीं होता है, बी होता है ना, बी फॉर बॉल का विनीत होता है। तो विनीत पांडे ब्लॉगर सर्च करना इनका जरूर वहाँ पे ना। कौन सा टी शर्ट, कौन सा साइड इफेक्ट है ना, मतलब एक साइड इफेक्ट का टी शर्ट है उस पर, साइड इफेक्ट का टी शर्ट उस पर, ये हमारे TL
पता नहीं है ना, हमको ना जल्दी बुलाता है और लेट छोड़ता है भाई। कभी अगर एक काम पे आना, इसको जल्दी नहीं बुलाना, इसको लेट बुलाना है चंगड़ू को। एक सलमान भाई, मारो मारो, उठो 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 चंगड़ू, उठो उठी से लेट आया ऊपर से, ये कर रहा वो कर, शर्म नहीं आता। देखो झगड़ा भी ऐसा होता हमारे, ये हमारा टीएल टीएल फ्रॉम नाला से ऊपर, ये टीएल का भाई सीएल, ये हमारे ना स्पाइडर क्यू करके इनका यूट्यूबर और मस्त रहे स्वस्थ रहे। तो चलिए सो दोस्तों, अभी जा रहे हैं हम लोग चौपहर के, यहाँ पे सेटिंग लग चुका है, तो फटाफट वहाँ पे जाते हैं फूड काउंटर सेक्शन के यहाँ पे। तो चलिए जाते हैं। अभी ना शाम के ना 7:03 हो चुका और यहाँ पे ना डिनर भी स्टार्ट हो चुका है। सो दोस्तों, ये रहा कुछ डिनर का सेक्शन है, बट फिलहाल तो यहाँ ना चौबियार जो था वो ख़त्म हो चुका है, और रात को ना 7 यहाँ पे 5 पहले ही यहाँ पे डिनर स्टार्ट हो चुका है। टोटल आज यहाँ पे 900 प्लेट रहेगा। और ये ना रिसेप्शन साइट है, और रिसेप्शन का सेक्शन ना कुछ इस तरह का है, और ये रहा सामने स्टेज है ये। और हमारे जो ब्रदर लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, कुछ समय के बाद यहाँ पे ना जूस स्टार्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो लोग 7-8 से लेकर रात के 11 तक वो जूस सर्कुलेशन करेंगे रिसेप्शन एरिया के यहाँ पे। ये रहा रिसेप्शन एरिया और ये रहा डिनर एरिया। तो चलिए अभी जाते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का है डिनर सेक्शन, जहाँ पे गेस्ट आके खाना खाएंगे। तो यहाँ पे तीन टाइप्स के यहाँ पे ना सूप्स है, और ये रहा प्लेट काउंटर, ये है इसके बाद बीच में ये सलाद काउंटर, इसके जस्ट बाजू में स्वीट काउंटर है, वहाँ पे स्वीट काउंटर है, और वहाँ पे साउथ इंडियन काउंटर है। तो काफ़ी अच्छा खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा है ये। सो दोस्तों, फिलहाल अभी रात के ना 7:15 हो चुका, 7:30 रिसेप्शन स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट मैं बैक एरिया के यहाँ पे हूँ।
फिलहाल अभी ना रात के ना 7:15 बज चुका है, और उसके बाद अभी जस्ट मैं ना जहाँ पे अभी यहाँ पे जहाँ पे ना शाम का 4 बजे का आईटी लगा था, उसके जस्ट मैं पीछे खड़ा हूँ यहाँ पे। अब अभी 7:30 बजे रिसेप्शन स्टार्ट हो जाएगा। ब्राइड और ग्रूम दोनों का स्पेशल एंट्री है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। बट कैसा है ना दोस्तों कि मैं तो यहाँ काम करना फिर भी ना चुप चुप के वीडियोज इसलिए बनाता ताकि ना मुझे एक छोटा सा यूट्यूबर बनना है उसके हिसाब से। और मैं तो अभी जाऊंगा अंदर और देखूंगा कि डिनर तो स्टार्ट हो चुका है, 7:30 बजे रिसेप्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों हो सके तो मैं बीच बीच में वीडियो शूट भी करूंगा, पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि आप सभी को पता है जब हम काम करते हैं तो हमारे जो मैनेजर होते हैं तो वो हम पे थोड़ा नजरानी रखते हैं। अगर हम ज़्यादा अगर मोबाइल यूज़ करते हो चिल्लाते हैं सुनाते हैं, इस वजह से ना जितना हो सके मैं उधर से कोशिश करूँगा कि वीडियो को शूट करूँ। और सो दोस्तों फिलहाल तो मैं अंदर जा रहा हूँ और देखता हूँ कि अंदर क्या क्या हो रहा है। तो चलिए दोस्तों फिर अभी मिलते हैं 11:30 बजे पैकअप के बाद। तो चलिए बाय। अभी ना 12 बजने में ना 5 मिनट कम है और 11:55 हो चुका है यहाँ पे। और मैं आज अपने घर से ना साइकिल से इवेंट करने के लिए आया था यहाँ पे, और साइकिल मेरी यहाँ पे खड़ी है। और जस्ट अभी जा रहा हूँ साइकिल को लेकर अपने घर के यहाँ से निकल रहा हूँ, कि मेरे घर से लगभग ना जो ये प्रीमियम जो कच्ची ग्राउंड है ना वो है 10 से 15 मिनट लगता है। तो साइकिल है ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पर अभी कोई नहीं है। और अभी जस्ट जैसे कि एंट्रेंस गेट था, एंट्रेंस गेट के यहाँ से मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होगा मेरा आवाज़ को क्या हो गया, एक्चुअली मैं थोड़ा सा पान खा लिया था और इसके वजह से थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा। तो चलिए अभी साइकिल के पास। सो जैसे कि ये ना एंट्रेंस गेट था, और एंट्रेंस गेट के यहाँ से ना अभी मैं अपनी साइकिल लेके अभी घर के यहाँ से निकल रहा हूँ। और ये वैन की वैन है ठीक है। बोरेली कच्ची ग्राउंड, बोरेली वेस्ट। सो है दोस्तों फिलहाल तो मैं अभी ना बोरी स्टेशन वेस्ट न्यू लिंक रोड के यहाँ पे हूँ। और आज मेरा जो इवनिंग का जो इवेंट था काफ़ी अच्छा था, ज़्यादा काम करने को नहीं मिला। और लगभग 10:30 बजे के हिसाब से जितने भी क्राउड था 900 प्लेयर था, 7 बजे डिनर स्टार्ट हो गया था, कहीं ना कहीं जाके 10:30 बजे तक काम थोड़ा स्लो हो गया था। फिर उसके बाद क्राउड बिल्कुल देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर क्या हुआ, हमारा तो इवेंट तो हमको तो 11:15 बजे ही पैकअप दे दिया था, क्योंकि सेटिंग पटने के लिए ना और कुछ घंटे बाकी थे। तो सन ने बोला
कि आप लोग का स्टाफ ज़्यादा है और इसकी वजह से मैं नाइट में किसी को भी एक्स्ट्रा शिफ्ट के लिए नहीं रुका सकता, तो आप लोग 11:15 बजे ही चेकआउट कर लेना। और हम लोग चेकआउट करने के बाद कुछ खाना थे, हम लोग ने थोड़ा बहुत वहाँ पर खाना खा लिया। खाने के बाद मैं फाइनली भी पान खा रहा हूँ। और सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अगर वीडियो काफ़ी अच्छा था तो नीचे से कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ नीचे दे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको आगे भी इसी तरह मुंबई वेडिंग इवेंट्स ब्लॉग मिलते रहे। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग वीडियो का अंत करता हूँ। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक गाइस, जय हिंद, जय भारत। कीप द वॉचिंग सक्सेना ब्लॉग, मुंबई इवेंट्स ब्लॉग। बाय बाय।